नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं गणेश और आप जुड़े हैं नैतिक आलोचक से। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि महीने डेढ़ महीने से बस एक ही खबर हर तरफ चल रही है, वो है सीमा और अंजू। आज जो हम बात करेंगे वो सीमा और अंजू पर नहीं करेंगे, क्योंकि उनको वैल्यू देने की कोई जरूरत नहीं है। जो बात हम करेंगे वो करेंगे मीडिया पे, क्योंकि मीडिया ही वो है जो इस खबर को हाईलाइट कर रही है और उन फालतू लोगों को सेलिब्रिटी बना रही है। फालतू लोग क्यों भाई? एक ने जो है गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर पार के, तो वो घुसपैठिया है, उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन मीडिया क्या लगी है, आज सीमा ने ये खाया, आज सीमा ने ये किया, सीमा ने ये स्टेटमेंट दी, सीमा जासूस है, सीमा ये है, सीमा वो है। और सीमा का चैप्टर चल ही रहा था कि उसके बाद मीडिया आ गई अंजू को लेके। जो काम गवर्नमेंट का है और जिस काम में गवर्नमेंट को अपना काम करना चाहिए, उसे मीडिया अपना काम कर रही। आज एटीएस से ज्यादा जानकारी न्यूज चैनल बता रहे हैं, न्यूज चैनल ज्यादा बता रहे हैं कि नहीं भैया, सीमा ने आज ये किया, सीमा ने वो किया, सीमा पाकिस्तान जाएगी, सीमा पाकिस्तान नहीं जाएगी, अंजू भारत आएंगी, अंजू भारत नहीं आएगी, अंजू का वीजा खत्म हो रहा है। बस यही ड्रामा सुनते सुनते जो है पूरा दिन निकल जाता है। ना तो मीडिया को देश के ग्रोथ से मतलब है, ना ही उनके 5 ट्रिलियन इकोनॉमी से मतलब है, ना ही ज्ञान वापसी से मतलब है, ना ही बॉर्डर पे क्या हो रहा है उससे मतलब है, ना ही मणिपुर से मतलब है, ना ही बंगाल से मतलब है, ना ही अंदर की सिक्योरिटी से मतलब है। मतलब है तो सीमा अंजू, सीमा को नागरिकता मिलेगी कि नहीं, अंजू भारत आएगी कि नहीं आएगी, बस यही चल रहा है। तो हम लोग यहाँ बेवकूफ बैठे हैं क्या, कैसे फालतू मीडिया को देखें? तो ऐसी मीडिया को देखने से अच्छा है कि आप अपना काम धंधा कर लो। मेरा कहना तो ये है कि ना तो अंजू को यहाँ बुलाओ, ना सीमा को यहाँ रखो। सीमा को या तो जेल में डाल दो या उसको वापस भेज दो, वो जाने उसका काम जाने। हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए। अगर सचिन को दिक्कत हो तो सचिन को भी साथ में भेज दो, लेकिन सीमा यहाँ नहीं चाहिए। वो जासूस हो ना हो, वो किसी भी रीजन से आई हो, वो गैर कानूनी तरीके से आए तो उसको वापस भेजो। अगर आना है तो सही तरीके से आए, गैर कानूनी तरीके से आने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस तरह की चीजें भारत को, भारत लोगों को नहीं चाहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम, जय हिंद।